हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का रिवाइज सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेकेंडरी प्रैक्टिस और हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 सेकेंडरी। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ सेकेंडरी। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इवन ऑल योर नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी का मीनिंग हमने देखा है। सेकेंडरी का मीनिंग आप बता सकते हो स्टूडेंट्स? डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे समझेगा कि आपको मीनिंग याद है। सो सेकेंडरी इज अ पर्सन हु डज एवरीथिंग सीक्रेट, हु डज कॉन्फिडेंशियल। द पर्सन हु कीप एवरीथिंग सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल is called as secretary. So secretary is also called as a confidential officer of the organization. Even secretary is a secret custodian of secret information. उसी के साथ अगर हम देखेंगे, सेक्रेटरी को बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं। करेस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना होता है, मीटिंग्स को कंडक्ट करना होता है, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना होता है, फाइलिंग करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर डन बाय सेक्रेटरी। ये सब हमने पहले की वीडियोस में देखा है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, वन इज योर पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेकेंड इज योर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। विच आर द टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नाउ यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि उसका दो पॉइंट हम लर्न करेंगे। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन होगा एंड क्वालिफिकेशन क्या होगा। एंड जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी है उसमें भी हम वही स्टडी करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो पूरे आंसर में आपको सिर्फ दो पॉइंट याद रखने, वन इज अपॉइंटमेंट एंड सेकेंड इज क्वालिफिकेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? द पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, बाय लॉयर्स, बाय डॉक्टर्स। आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर होता है वो एक पर्सनल असिस्टेंट को रखता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PA। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी। जो एंशियंट टाइम पे मनी लेंडर्स, किंग, जमींदार, वो बहुत बिजी पर्सन कंसीडर किए जाते थे। उनको काम करने के लिए इतना टाइम नहीं रहता था कि वो सब कुछ खुद ही रिकॉर्ड करे। सो उन्होंने किसको अपॉइंट किया? एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया। वो इंडिविजुअल का नाम क्या होगा? पर्सनल सेक्रेटरी। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, या हम खुद ले लो, अगर हम खुद बिजी है, हम अगर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, हमारे जो प्राइमरी वर्क है, इम्पोर्टेंट वर्क है, उसमें हम अगर बहुत ज्यादा बिजी है और अगर हम खुद के हमारे पास अगर टाइम नहीं है कि हम सब कुछ खुद ही रिकॉर्ड करें, तो हम किसको अपॉइंट करते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी। सो पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय एनी इंडिविजुअल, एनी बिजी इंडिविजुअल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स एंड ऑल। तो ये सब आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो। एंड अगर कंसेप्ट देखेंगे पर्सनल सेक्रेटरी का, तो इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। पर्सनल सेक्रेटरी बहुत पहले से चल रहा है, इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है तो उसका क्वालिफिकेशन हमें ध्यान देना होगा कि नहीं, क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है कि नहीं, वो हमें सोचना पड़ेगा। सो देयर इज नो नीड टू हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट द सेक्रेटरी शुड बी ग्रेजुएट। वो सेक्रेटरी ग्रेजुएट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो सेक्रेटरी के पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, फाइलिंग का नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू रिकॉर्ड द थिंग्स इसका नॉलेज होना चाहिए। बस इतना नॉलेज होगा तो हम पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर डॉक्टर्स पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक्टर पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो उसको फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट उसको वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, एंड द पर्सन शुड बी अ ग्रेजुएट। That is the main important qualification should be there in a personal secretary. Now we are going to start with institutional. Word से ही पता चलता है कि institutional secretary should have more qualification, more importance as compared to personal secretary. तो institutional secretary में there are total 4 points which you have to learn.
फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सब लोग किसको अपॉइंट कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट नजर हम देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें वर्ड से पता चलता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव या मेन पर्पस क्या होगा, टू प्रोवाइड सर्विस बट नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट। सर्विस इज अ प्राइमरी एंड प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी। तो अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेक्रेटरी को हमें अपॉइंट करना है तो अगेन हमें क्वालिफिकेशन देखना होगा, राइट। अभी क्वालिफिकेशन में अगर हम डिस्कस करेंगे तो अगेन यहाँ पे पर्सन कौन होना चाहिए, एक ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड नेक्स्ट थिंग जो एनवायरमेंट है, जो मार्केट कंडीशन है, उसका नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज हम किसके बारे में बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गवर्नमेंट में चेंजेस किए गए हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन द पॉलिसी विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट, कहाँ पे क्या कम है, कैसे हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करेंगे, ये सब का थोड़ा बहुत नॉलेज किसके पास होना चाहिए, सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट रेज होता है कि इसको ये सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम एज अ कम्युनिटी मेंबर्स वर्ड यूज करते हैं। जो मेंबर्स होंगे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, वही क्या करेंगे, सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे। तो योर आंसर विल बी अपॉइंटमेंट इज डन बाय कम्युनिटी मेंबर्स इटसेल्फ एंड सेकेंड क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना बहुत कंपल्सरी है। सेकेंड थिंग जो फील्ड में हम काम करें, नॉन प्रॉफिट इज बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और नॉन प्रॉफिट में एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं। सो वी कैन टेक अ रोटरैक्ट क्लब, वी कैन टेक अ एनजीओ, वी कैन टेक अ स्पोर्ट क्लब, लायन क्लब्स, ये सब एग्जांपल ले सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट के अंडर आते हैं। सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पे हम सब रहते हैं, इवन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज अ नीड टू हैव अ सेक्रेटरी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टार्ट करने के लिए पहले कितने मेंबर्स लगते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तो टू स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर नीड टू हैव मिनिमम 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स कंपलसरी लगेंगे तो ही जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हो सकता है। सेकेंड अगर हम कंसीडर करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 ये फॉलो करना होता है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 फॉलो करना होगा, तो इसका नॉलेज भी सेक्रेटरी को होना चाहिए। अभी हमने स्टार्ट तो कर लिया 10 मेंबर से, हमने एक्ट भी फॉलो कर दिया, पर सेकेंड थिंग कि सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा। अगेन सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स विद इन अ सोसाइटी। हम जो मेंबर्स होते हैं उसमें से ही एक कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। सो मेंबर्स विद इन अ सोसाइटी अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी। सेकेंड थिंग क्वालिफिकेशन का नीड होगा कि नहीं, तो अगेन देयर इज नो नीड टू हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आपको ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए एंड आपको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 का नॉलेज होना चाहिए। आपको एक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अगेन कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज है तो आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट वन सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी होता है वो ऐसे ही नहीं बन सकता, वो बनने के लिए हमारे पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिकॉज सेक्रेटरी इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ राइट हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट दैट सेक्रेटरी कंपनी नहीं चल सकता। इवन अगर स्टार्ट से हम कंसिडर करेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करना वो किसके हाथ में होता है, सेक्रेटरी। बट यहाँ पे हम सेक्रेटरी टर्म नहीं डालेंगे, हम और एक नाम यूज करेंगे, दैट इज प्रमोटर्स। क्या मैंने नाम लिखा है, प्रमोटर्स। एट द स्टार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रेजेंट, प्रमोटर्स आर प्रेजेंट। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। प्रमोटर्स आर द पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, प्रमोटर्स आर द पर्सन हु गेट द आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो पर्सन आइडिया लाता है, जो स्टार्ट में प्रेजेंट होता है और जो शुरू करता है कंपनी को, उसको हम नाम क्या देते हैं, प्रमोटर्स। इवन यू कैन ऐड द वर्ड, प्रमोटर्स आर पाइनर्स एंड पिलर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स आर पाइनर्स एंड पिलर्स ऑफ द कंपनी।
जिस तरह से बिल्डिंग में पिलर इंपॉर्टेंट होता है टू स्टैंड द बिल्डिंग टू कीप द बिल्डिंग स्टेबल, इन सिमिलर वे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स आर इंपॉर्टेंट। तो प्रमोटर्स ही कौन होते हैं जो अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को? हु अपॉइंट द सेक्रेटरी? प्रमोटर्स अपॉइंट द सेक्रेटरी, बिकॉज एट द स्टार्ट कौन प्रेजेंट होता है? प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट कंसीडर करेंगे तो कौन होगा सेक्रेटरी? अपॉइंट कौन करेगा? प्रमोटर्स करेगा। और एक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रमोटर को हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट देखा कौन करेगा, दैट इज प्रमोटर्स, विच इज इन शॉर्ट अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेकेंड थिंग, अगर हमें क्वालिफिकेशन का बात करना है तो सेक्रेटरी को जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर काम करना है तो क्वालिफिकेशन लगेगा, डेफिनेटली यस, कंप्लीट क्वालिफिकेशन लगेगा। हमने पहले देखा था कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी बनना है द पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ ICSI, द पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ ICSI, दैट इज इंडियन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर हम उसके मेंबर बनते हैं, अगर हमने कंपनी सेक्रेटरी पूरा कंप्लीट किया है, जिस तरह से सीए होता है उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी होता है, अगर वो हमने कंप्लीट किया है तभी जाके हम क्या बन सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं। कंप्लीट क्वालिफिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड एक्सपीरियंस, गुड टैटिक्स, गुड लीडरशिप क्वालिटी एंड डेफिनेटली द लॉयल्टी, ये सब अगर इसमें है तभी जाके हम कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। एंड द लास्टली सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को भी सेक्रेटरी लगता है। वी नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दोनों जगह पे हमें सेक्रेटरी लगता है। सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का काम मिनिस्टर्स का होता है, हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेक्रेटरी होता है। बट अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है तो अगेन क्वालिफिकेशन लगेगा। एंड हु विल अपॉइंट द सेक्रेटरी? दैट इज मिनिस्टर्स विल अपॉइंट द सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो यू शुड कंप्लीट अ ISA एग्जामिनेशन, आप खुद ISA ऑफिसर होने चाहिए तभी जाके आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी रोल प्ले कर सकते हो। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंगली देखू तो यहाँ पे आपका लास्ट टू पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसमें सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन, सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस एंड रोल बहुत ज्यादा है। सो आई होप द वेरी सिंपल आंसर, द टू पॉइंट्स दैट इज टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, वन इज पर्सन एंड अदर इज इंस्टीट्यूशन। सो आई होप आपको समझा होगा। Still, if you have any doubt, do mention in comment box which is given below, and do like, share and subscribe, and also follow me on Instagram page and Facebook page. Thank you.